click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends. दोस्तों वेलकम बैक टू दिस फ्रेश न्यू वीडियो विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 25 जिसका नाम है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जी हाँ बच्चों, ये हमारा लास्ट सेक्शन है इन द टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि अभी तक हम 3 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा फेज 1 ऑफ द चैप्टर था जिसमें हम सेक्शन 23 यानी कि मेथड्स टू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 24 यानी कि सेबी उसको गवर्न करने वाला है, सेक्शन 30 यानी एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये फेज फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद में हमने 26, 27, 28 ये हमने सेक्शंस देखे थे, सॉरी 29 जिसमें हमने देखा था कि मैटर्स क्या होंगे वो 26 में, वेरिएशंस कुछ करना हो तो 27 में, और डीमैट फॉर्म में आपको रखना है 29 में, ऐसा हमने देखा था। देन वी स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस जिसमें हमने शुरुआत करी थी शेल्फ से, सेक्शन नंबर 31, देन वी डिस्कस्ड 32, 33 व्हिच इज रेड हेरिंग एंड एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको एक समरी दिया हमने क्या क्या अभी तक कर लिया है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सो बच्चों, डीम्ड मतलब तो हमको पता ही है, किसी भी चीज को डीम्ड कहा जाता है मतलब कि मान लिया जाता है, हम उसे कहते हैं कि इट इज डीम्ड टू बी अ गुड पर्सन, यानी कि चलो उसको मान लेते हैं उसने काम किया है तो उसे हम एक अच्छा इंसान कह देते हैं, बराबर। तो क्या बोला जा रहा है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस यानी कि उसे हम प्रोस्पेक्टस मान लिया गया है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम प्रोस्पेक्टस मान रहे हैं, यानी कि वो प्रोस्पेक्टस है नहीं बट उसे प्रोस्पेक्टस माना जा रहा है। सो अनदर क्वेश्चन जो हमें माइंड में स्ट्राइक होता है कि सर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें किस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस मानना पड़ रहा है। सो बच्चों, दो कंपनीज यहां पर हम डिस्कस करेंगे। पहली कंपनी है इश्यूइंग कंपनी। सो दोस्तों, इसमें दो तरीके की कंपनीज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इश्यूइंग कंपनी यानी कि जो मेन कंपनी है उसे, ठीक है, और दूसरा हम समझेंगे इश्यूइंग हाउसेस और अदर कंपनी। तो सर कहानी क्या है हमको ये बताइए। सो बच्चों देखिए, ऐसा है कि हर कंपनी जो पब्लिक इशू करना चाहती है वो लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं करना चाहती। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो पब्लिक इशू निकाल रही है पर उसे सेबी का बहुत सारा जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो फॉलो नहीं करना है, उसे इन सब दिक्कतों में पड़ना ही नहीं है, बराबर है, उसे ये सब काम लीगल फॉर्मेलिटीज के चक्कर में ना पड़ते हुए पब्लिक इश्यू करना है, यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेन कंपनी है वो अलग है और जो लोगों को शेयर्स बांट रहा है वो अलग है। यस, यानी कि एक बीच में एक और लेयर ऑफ कंपनी आ चुकी है। सो अगर आप ये ट्राइंगल देखेंगे तो यहाँ पर मेन कंपनी है, यहाँ पर हम जैसे लोग इन्वेस्टर्स हैं, तो पहला सिचुएशन ये होता है कि कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अलॉट कर देती है, इशू कर देती है। इस वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि ये जो कंपनी है वो इन्वेस्टर्स को इशू नहीं कर रही है, पर ये जो कंपनी है ये सहारा या हेल्प ले रही है एक दूसरी इशूइंग कंपनी, इशूइंग हाउस जिसे हम कहते हैं उसका, और ये इशूइंग हाउस इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करेगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने आपको बताया वो उस कंपनी को इतनी सब लीगल रिक्वायरमेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना था, तो उसने क्या किया कि एक इशूइंग हाउस जिसे हम कहते हैं अंडरराइटिंग, अंडरराइटर्स भी कह सकते हैं, तो उसने वो इशू हाउस को या फिर अंडरराइटर को या फिर ऐसी कोई दूसरी कंपनी को हायर किया कि आप मार्केट में मेरे इन सभी शेयर्स को दीजिएगा और मैं नहीं दूंगा डायरेक्टली, तो मुझे सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड समझाया है कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या हो रहा है और ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सिचुएशन, सो दोस्तों अब इस वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले मैंने बोल्ड में वो लिख रखा है, वो ये है कि अ कंपनी मे हायर सच अदर इशूइंग हाउस और कंपनी टू इशू इट्स सिक्योरिटीज इनटू द मार्केट
टू द शेयर होल्डर्स, यानी कि वो काम डायरेक्टली नहीं हो रहा। इसको अगर हम सिंपल सा सेंटेंस में समझे तो ये है कि चेहरा किसी और का और काम किसी और का, मतलब कि फेस ऑफ द इशू तो कौन है, वो इशूइंग हाउस है, वो अंडर राइटर्स है, बट फेस के पीछे जो असली इंसान कौन है वो एक मेन कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस को अपना आईपीओ लाना है और उसने क्या किया कि वो खुद इसका कौन इतना गाइडलाइन फॉलो करेगा, सेबी को फॉलो करेगा, तो उसने क्या किया कि एक दूसरा इशू हाउस को हायर किया और उसको बोला कि मेरे सारे शेयर्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ले लीजिए और आप फिर फर्दर उनको इन्वेस्टर्स को दे देना, मैं इस बीच में नहीं पढ़ूंगा, आप मुझसे लीजिए और आप पब्लिक एट लार्ज को दीजिए, जब उनसे पैसा आपको मिल जाए तो आप मुझे दे देना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली है, अ कंपनी में हायर सच अदर इशूइंग हाउस और सच अदर कंपनी टू इशू इट्स सिक्योरिटीज इनटू द मार्केट। नाउ अब वो जो इशूइंग हाउस है, वो जो हायर्ड हाउस है, वो जो हायर्ड कंपनी है जो इशू करने वाली है शेयर्स मार्केट के अंदर ऑन द बिहाफ ऑफ द मेन कंपनी, वो एक डॉक्यूमेंट सबमिट करती है और वो डॉक्यूमेंट जो है उसे हम कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। यानी कि इसमें क्या हो रहा था सर, ये जो पूरी सिचुएशन बन रही थी उसमें जो मेन कंपनी है, जो हमारे एग्जांपल में रिलायंस है, वो बचना चाह रही थी, वो लीगल रिक्वायरमेंट से बचना चाह रही थी और वो ये कोशिश कर रही थी कि हमें कुछ फॉलो भी ना करना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। तो गवर्नमेंट बहुत शाणी है, उन्होंने ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाया कि अगर आप और किसी को हायर करते हो इशू करने के लिए तो वो जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा ना ऑफर फॉर सेल का, वो ऑफर फॉर सेल का डॉक्यूमेंट भी ना डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा। क्वेश्चन, किसका प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा बच्चों? वो प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा नॉट ऑफ द हायर्ड हाउस बल्कि ऑफ द मेन कंपनी। मतलब कि वो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा रिलायंस खुद का और जितने भी प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस है, यानी कि सेक्शन 26 जिसमें मैटर्स आ रहे हैं, मिस स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस, वो सभी एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे रिलायंस के ऊपर। यानी कि जो कंपनी बचना चाह रही थी अब वो भी धराई में आ गई है, मतलब कि आप चाह रहे थे कि हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो ना करना पड़े और किसी लोग को हम हायर करेंगे और वो इशू कर देंगे और वो जो डॉक्यूमेंट बना के ऑफर, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है ऑफर फॉर सेल, तो वो जो अंडरराइटर, वो जो हायर्ड कंपनी जो ऑफर फॉर सेल का डॉक्यूमेंट बना के पब्लिक को दे रही है, उस डॉक्यूमेंट को बोला जा रहा है डीम्ड प्रोस्पेक्टस और दैट प्रोस्पेक्टस विल बी डीम्ड टू बी ऑफ द मेन कंपनी एंड ऑन दैट डॉक्यूमेंट एवरी प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रोस्पेक्टस सेक्शन 26 मैटर्स एंड मिसस्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस विल बी एज इट इज एप्लीकेबल टू दैट डॉक्यूमेंट ऑल्सो। ठीक है, अब सबसे ऊपर से अगर अपन देखेंगे तो हमने डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया है, बराबर है कि वो हायर कर रहा है और वो सच हायर कंपनीज उसको आगे इशू कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद में पॉइंट अपन देखते हैं शीट में, आप देखेंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट हायर्ड कंपनी जो सबमिट कर रही है उस डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहा जाता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, अब आगे देखते हैं। सब दोस्तों एक पॉइंट इसमें यह है डेफिनेशन में जो आपको लिखना है कि सच कंपनी यानी कि द मेन कंपनी एग्रीज और यानी कि या तो वो एग्री कर चुके हैं या फिर एग्री करने वाले हैं, बराबर है, या तो वो अलॉट कर चुके हैं या फिर अलॉट करने वाले हैं। सो दैट मेन कंपनी हैज अलॉटेड और एग्रीड टू अलॉट व्हाट शेयर्स, कितने शेयर्स, सब शेयर्स, पूरे के पूरे शेयर्स, हो सकता है फुल शेयर्स या फिर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ शेयर्स। सर इसका मतलब क्या हुआ कि रिलायंस आईपीओ ला रहा है 1 करोड़ शेयर्स का, उसने एक कंपनी को हायर किया, एक इशूइंग हाउस को हायर किया कि आप एक काम करो इस 1 करोड़ शेयर्स में से आप 90 लाख शेयर्स आप ले लो और आप एज इट इज पब्लिक को इशू कर देना, बराबर है। तो इस वाले केस में जो रिलायंस है वो मेन कंपनी हुआ, जिस इंटरमीडिएट लेवल पर किसी कंपनी को हायर किया गया था उस इशूइंग हाउस को हम अंडरराइटर कहेंगे, वो पब्लिक को इशू करने के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है उसे ऑफर फॉर सेल कहा जाता है, वो डॉक्यूमेंट
सेक्शन नंबर 25 के हिसाब से डीम्ड डॉक्यूमेंट कहा जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहा जाएगा, प्रोस्पेक्टस ऑफ नॉट द इशूइंग कंपनी, नॉट ऑफ द इशूइंग हाउस बट ऑफ द मेन कंपनी, बराबर है। तो डेफिनेशन हो गया अलॉटेड या एग्रीज टू अलॉट सब्सटेंशियल और फुल और सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ शेयर्स टू सच अदर इशूइंग हाउस और कंपनी टू इशू सिक्योरिटीज इन द मार्केट, बराबर है। ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस हुआ, और जो वो इशूइंग हाउस या कंपनी जो डॉक्यूमेंट ऑफर करता है उसे हम डीम्ड डॉक्यूमेंट कहते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब ये जो डीम्ड डॉक्यूमेंट बना है इसका इफेक्ट क्या होगा, यानी कि इस डीम्ड डॉक्यूमेंट के बनते ही क्या क्या इसके इफेक्ट्स होंगे आफ्टर इफेक्ट, वो पढ़ने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या हर डॉक्यूमेंट जो इशूइंग हाउस सबमिट कर रहा है, इशू कर रहा है, उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहेंगे? नहीं, हर डॉक्यूमेंट को नहीं कहा जाएगा। उसके लिए दो कंडीशंस हैं। अगर ये दो कंडीशंस फॉलो होती है, अगर ये दो कंडीशंस फॉलो होती है, और ध्यान रखिए इन दोनों में से कोई भी फॉलो होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में और लिखा है, बराबर। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी फॉलो होती है, फुलफिल होती है, तो हम उस डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहेंगे। सर क्या है दोनों बता दीजिए हमको फटाफट। देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जब से मेन कंपनी और इशूइंग हाउस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2019 को रिलायंस ने बोला किसी एक दूसरे अंडरराइटिंग इशूइंग हाउस को कि आप मेरे 90 लाख शेयर्स ले लीजिए, हम दोनों के बीच में ही एग्रीमेंट हुआ है। कब हुआ है? 1 जनवरी 2019 को, बराबर है। अब उस इशूइंग हाउस ने वो ऑफर, वो सब्सक्रिप्शन ओपन कर दिया, प्लेस कर दिया विद इन 6 मंथ्स, मतलब कि 6 महीने के अंदर अंदर उस इशूइंग हाउस ने ऑफर भी प्लेस कर दिया, तो क्या माना जाएगा कि हाँ देखिए एग्रीमेंट किया था रिलायंस के साथ में और 6 महीने में ऑफर भी प्लेस कर दिया है, इसका मतलब ये हकीकत में है तो रिलायंस का, पर ये इशूइंग हाउस ये बना हुआ है, और अब ये जो भी डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस कह देंगे रिलायंस का। पहली कंडीशन कि विद इन 6 मंथ्स ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द मेन कंपनी एंड द इशूइंग हाउस ऑफर शुड बी प्लेस्ड इन द मार्केट। सेकेंड कंडीशन, अब देखिए सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि नॉट होल कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, यानी कि जब 90 लाख शेयर्स रिलायंस ने उस इशूइंग हाउस को दिए, बराबर है, तब उसने क्या बोला कि आप ही 90 लाख शेयर्स ना आप दे दीजिए पहले पब्लिक को, आप इशू कर दीजिए, आप ऑफर चालू कर दीजिए, जब आपके पास पैसा आ जाएगा ना तो आप मुझे दे देना। जैसे कि कैसे होता है रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के टाइप में कैसा रिश्ता होता है, यही होता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलता है रिटेलर को कि आप ही ले लो, आपने 1 लाख रुपए का माल लिया डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि मेरे पास, रिटेलर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं जब इसको बेच दूंगा तो मैं आपकी भरपाई कर दूंगा, मतलब ये 1 लाख रुपए का माल जो मैंने आपसे लिया है मुझे ये कंज्यूमर को बेचने दो, फिर मैं 1 लाख रुपए आते ही मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। उसी फैशन में यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो जब रिलायंस 90 लाख शेयर्स दिए हैं किसको, उसने दे दिए हैं उस इशूइंग हाउस को, इशूइंग हाउस पहले पब्लिक को देगा, पब्लिक उसको सब्सक्राइब करेगी, उसका पैसा उसको मिलेगा, और जो 90 लाख का जब पैसा इसको मिल जाएगा तो वो उसको रिलायंस को दे देगा। So, दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ है कंपनी के पास, अभी तक कुछ भी पैसा नहीं आया है, अगर पैसा आ गया है तो हम उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं समझेंगे, बराबर है, क्योंकि वो तो प्लेन ट्रांजेक्शन हो गया ना एक, कि मैंने 90 लाख शेयर दिए, बाय एंड सेल हो गया ना, वो तो मैंने 90 लाख शेयर दिए और मुझे उसके पैसे मिल गए, तो दिस सिंपल अ ट्रांजेक्शन ऑफ बाय एंड सेल, उसमें डीम प्रोस्पेक्टस की बात कहां से आई, और हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमने उसको शेयर्स आगे बेचने के लिए दिए, तो जब तक वो नहीं बेचेगा मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, अगर ऐसा होगा तो उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा।
सो दोस्तों ये हमने देखी दो कंडीशन, जिन कंडीशंस के चलते हुए अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, यानी दोनों के बीच में और लिखा हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, हम डीम्ड प्रॉस्पेक्टस बोलेंगे। वो डॉक्यूमेंट कौन इश्यू कर रहा था, वो इश्यूइंग हाउस कर रहा था, और उसे डीम्ड प्रॉस्पेक्टस बोला जा रहा है। मतलब किसका प्रॉस्पेक्टस बोला जा रहा है, मेन कंपनी का प्रॉस्पेक्टस बोला जा रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसका कुछ इफेक्ट होगा, इफेक्ट क्या होगा, जैसे ही इस डॉक्यूमेंट को हमने बोल दिया कि ये डीम्ड प्रॉस्पेक्टस है, वैसे ही उस डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रॉस्पेक्टस के सभी सेक्शंस, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, यानी कि सेक्शन नंबर 26 जो बात करता है मैटर्स के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या मैटर्स आने वाले हैं, लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, वो अब एप्लीकेबल होगी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी। अब आपने कुछ भी मिस स्टेटमेंट या फिर मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट वो बना, तो वो प्रॉस्पेक्टस को मिसलीडिंग प्रॉस्पेक्टस कहा जाएगा, और उसके ऊपर एज इट इज वो मिस स्टेटमेंट के सेक्शंस भी एप्लीकेबल होंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि अब जो मेन कंपनी है, जो सारे लीगल रिक्वायरमेंट से बचना चाहती थी, वो नहीं बच पाएगी। सबसे नीचे आप मेरी शीट में देख सकेंगे, मैंने मोटिव में यही लिखा है। देखिए, फेस ऑफ द ट्रांजेक्शन वॉज नॉट वॉज वन ऑफ द अदर कंपनीज, एंड जो मेन ट्रांजेक्शन कर रही है वो अलग कंपनी थी, तो दोनों बच नहीं पाए और दोनों उसका मिसयूज ना करें, इसलिए इस डीम्ड प्रोस्पेक्टस को पिक्चर में लाया गया। तो इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन हमने देख लिया है, मीनिंग एंड डेफिनेशन हमने देख लिया है, कंडीशन हमने समझ लिया है कि उस डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस कब बोला जाएगा, बराबर है। अब बचा एक और पॉइंट। अब दोस्तों बात ये बचती है कि जो डॉक्यूमेंट इशूइंग कंपनी, इशूइंग हाउस, देखिए बार बार मैं दो शब्द बोल रहा हूँ, इशूइंग कंपनी और इशूइंग हाउस, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसको हायर किया जा रहा है ना मेन कंपनी के थ्रू, वो कंपनी भी हो सकती है और वो फर्म भी हो सकती है, तो इशूइंग हाउस भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकती है, जिसे हम अंडरराइटर्स कहते हैं। तो जो वो हायर्ड कंपनीज और इशूइंग हाउस जो डॉक्यूमेंट को इशू कर रहे हैं, उस पर सिग्नेचर तो होगी ना किसी न किसी की, जैसा कि हमने प्रॉस्पेक्टस में पढ़ा है कि प्रॉस्पेक्टस पे सिग्नेचर्स होनी चाहिए सबकी, डायरेक्टर्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में ये होगा बेटा, दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो हायर्ड कंपनी फर्म है, मतलब कंपनी नहीं है, जो हायर्ड एंटिटी है दैट इज अ फर्म, और सेकेंड केस दैट इज अ कंपनी। अगर वो कंपनी होती है तो वो इशूइंग हाउस के जो डायरेक्टर्स है दे विल बी डीम्ड टू बी द डायरेक्टर्स ऑफ द मेन कंपनी, बराबर है। मैं आपको लास्ट में एक एग्जांपल दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला सिचुएशन, अगर वो हायर्ड एंटिटी कंपनी है तो दो डायरेक्टर्स के साइन लगेंगे जो उस हायर्ड कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। अगर वो हायर्ड एंटिटी फर्म है तो उस फर्म के 50% ऑफ द पार्टनर्स, मतलब कि मेजॉरिटी के सिग्नेचर्स लगेगी, और वो पार्टनर्स जो है फर्म के हैं दे विल बी डीम्ड टू बी द डायरेक्टर्स ऑफ द मेन कंपनी, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, हमारे एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, उसको और क्लियर कर देंगे। सो रिलायंस आईपीओ ला रही है, सीजे लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, या फिर सीजे एक इशूइंग हाउस है, बराबर है। रिलायंस ने अपने 1 करोड़ शेयर्स में से 90 लाख शेयर दे दिए सीजे को। सीजे को बोला है कि सीजे आप दे देना मार्केट में किसी को भी, जो पब्लिक एट लार्ज को आप इशू करो। तो यहाँ पर मेन कंपनी हो गई रिलायंस और यहाँ पर इशूइंग कंपनी हो गई सीजे, बराबर है। अब सीजे जो डॉक्यूमेंट बना रही है, जो इशू कर रही है, उसे डीम्ड प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। डीम्ड प्रॉस्पेक्टस मतलब प्रॉस्पेक्टस ऑफ नॉट सीजे बट प्रॉस्पेक्टस ऑफ रिलायंस। तो अब सब कुछ, सारे प्रॉस्पेक्टस के जो सेक्शंस हैं वो रिलायंस पर एप्लीकेबल होंगे, सेक्शन 26 को हो, मिस स्टेटमेंट को हो, कुछ भी को हो। अच्छा, ये जो सीजे का डॉक्यूमेंट है उसे डीम्ड प्रॉस्पेक्टस हम कब कहेंगे, अगर वो दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल कर देगा। तो पहली कंडीशन ये है कि जब से इन दोनों के बीच में, रिलायंस और सीजे के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट से 6 महीने के अंदर अंदर आप पब्लिक को ऑफर कर दो, सब्सक्रिप्शन लिस्ट चालू कर दो। दूसरी कंडीशन ये होगी, अगर वो नहीं किया है तो ये कि जो रिलायंस ने 1 करोड़ शेयर्स सीजे को दिए हैं, उसके बदले में उसको कुछ भी कंसिडरेशन अभी तक नहीं मिला है। सर अगर कंसिडरेशन मिल जाता तो उसका मतलब ये होता, नॉर्मल बाय एंड सेल का ट्रांजेक्शन होता, बट इन दिस केस रिलायंस ने 90 लाख शेयर सीजे को आगे पब्लिक में इशू करने के लिए दिए हैं। सो सीजे विल पे बैक टू रिलायंस व्हेन, जब उसको यहाँ से सब पैसा मिल जाएगा तो वो रिलायंस को पे बैक कर देगा। ओके, सो डेफिनेशन कवर्ड,
डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? कवर्ड। डॉक्यूमेंट डीम्ड कब बोला जाएगा? कंडीशंस, कवर्ड। ये तीन चीजें पढ़ ली। इसका इफेक्ट क्या होगा? 26 सेशन मिस स्टेटमेंट एप्लीकेबल होंगे, कवर्ड। सिग्नेचर्स किसकी लगेगी? अगर इश्यूइंग हाउस फर्म है तो 50% ऑफ द पार्टनर्स की, अगर कंपनी है तो दो डायरेक्टर्स की। और ये बात समझ लीजिए कि जो सीजे के डायरेक्टर्स है या फिर सीजे के जो पार्टनर्स है, दे विल बी डीम्ड टू बी द डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस इन दिस केस, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टस तो वो बना के दे रहा है और वो साइन कर रहा है। ओके, मोटिव हमने इसका समझ लिया है। मोटिव क्या है? द मेन कंपनी, द इशुइंग कंपनी इज द फेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी सीजे। सीजे इज द फेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, बट द मेन कंपनी इज बिहाइंड द कर्टन, विच इज रिलायंस। So to make prospectus provisions applicable to Reliance, deemed prospectus को highlight में लाया गया है। Okay? So दोस्तों, this was the deemed prospectus for you guys, section 25 जो हमने पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है deemed का मतलब ये होता है कि मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? पहले हम इस concept को समझ लीजिए कि companies जो public issue करना चाहती है, Reliance जो public issue करना चाहती है हमारे example में, वो खुद नहीं करना चाहती है, वो legal requirements को follow नहीं करना है, उसे इन दिक्कतों में नहीं पड़ना है, तो वो दूसरी कंपनी या फर्म को हायर करती है, उसे हम underwriters कहते हैं या फिर issuing house कहते हैं। वो issuing house जो underwriters है वो public को इशू करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ रिलायंस आर मेन कंपनी, बराबर है। तो जब इसमें क्या हो रहा है कि रिलायंस को फायदा मिलता है, उसने लीगल रिक्वायरमेंट भी फॉलो नहीं करी, उसको पैसा भी पूरा मिल गया और उसका आईपीओ भी हो गया, बराबर है। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब जो भी जो इशूइंग हाउस है और जो भी इशूइंग फर्म है, अंडरराइटर्स है, वो जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, सबमिट करेंगे, इशू करेंगे, हम उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस ही मानेंगे। किसका प्रोस्पेक्टस मानेंगे? रिलायंस का, यानी कि मेन कंपनी का, क्योंकि हम यही समझेंगे कि रिलायंस ने ही उसको इशू किया है। तो सारे जो प्रोविजंस है प्रोस्पेक्टस के, सेक्शन 26 से लेके मिस स्टेटमेंट्स के, वो रिलायंस के ऊपर यानी कि मेन कंपनी के ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल हो पाएंगे। उससे क्या होगा कि कुछ भी फ्रॉड का चक्कर खत्म हो जाएगा। जो सीजे है, जो बीच में हमारी इंटरमीडिएटरी कंपनी थी, इशूइंग हाउस था, वो सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा। वो ट्रांजेक्शन होगा तो सही, पर सब कुछ ऐसा ही माना जाएगा कि रिलायंस ने वो काम किया है। सर, मेन पॉइंट है कि उस डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस हम कब बोलेंगे? उसकी दो कंडीशन हमने देख ली है, 6 months में ऑफर हो जाना चाहिए और कुछ भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे। इफेक्ट हो गया, ये भी हो गया, मोटिव भी हो गया। सो गाइस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस मैंने आपको बता दिया है। शेल्फ मतलब हमेशा याद रखिएगा, सेक्शन 31, उसमें शेल्फ मतलब लाइफ होता है, 1 साल का होता है, इशू करते जाओ, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एड करते जाओ। रेड हेरिंग मतलब होता है कि ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि दो चीजों के अलावा प्रोस्पेक्टस को इश्यू करना, क्वांटम और प्राइस नहीं रहेगी। 3 दिन पहले ऑफ योर ऑफर और सब्सक्रिप्शन लिस्ट आप आरएचपी निकाल सकते हैं। एब्रिज्ड कंडेंस्ड या फिर समरी है, जो हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में देना है, 2 सिचुएशन में नहीं देना है, अंडरराइटिंग कमीशन एंड व्हेन नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक। 4th, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, नाम से हमको डीम्ड समझ में आ रहा है कि मान लिया गया है, कंपनी ने इशू नहीं किया है, किसी और ने इशू किया है, उसको भी हमने डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया है टू मेक ऑल द प्रोविजन एप्लीकेबल टू इट। गाइस, 4 types ऑफ प्रोस्पेक्टस वी हैव कवर्ड इन दिस 3 to 4 स्मॉल वीडियोस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में हमने प्रोस्पेक्टस क्या है, मीनिंग क्या है, बेसिक्स क्या है, क्या सेक्शन है, मेथड क्या है, बॉडी क्या है, एडवर्टीजमेंट कैसे किए जाते हैं, ये सब देख लिया है। सेकंड फेज में हमने टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस देख लिए हैं। थर्ड फेज में हमने रेसिडुअल सेक्शन में 26, 28, 29 ये सब सेक्शंस भी देख लिए हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड फोर्थ फेज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसमें हम 2 sections कवर करने वाले हैं। पहला सेक्शन रहेगा ऑफर फॉर सेल। दोस्तों, लोग इसके साथ में जब भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं तो ऑफर फॉर सेल पढ़ते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे कि ऑफर ऑफ सेल क्या है एंड डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या है। दोनों सेम चीज भी है, अलग चीज भी है, बहुत ही पतली सी एक लाइन का डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए ईकीड़ा चैनल को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको और ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो पढ़ना है और अच्छा लग रहा है, और कहाँ कहाँ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है। धन्यवाद देखने के लिए, और देखते रहिए, साथ में बने रहिए।